मैं आपके वर्गमूल, वो भी भाग दीजिए गए, पहले छोटे छोटे फिर आगे बड़े बड़े। इसमें आपके जो नंबर दे रखा है 529, ये विधि है आपके भाग विधि द्वारा। भाग कैसे करते हैं, मतलब अगर आपको वैदिक के अलावा अन्य कई जगह वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो ये जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है। अब पहला जोड़ा ये आएगा और दूसरा जोड़ा आपके यहाँ आएगा, वर्गमूल में उन दो के जोड़े बनाने हैं आपको। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और इससे आगे नहीं जाए। जैसे एक इंटू एक, एक ही होता है छोटा है, दो इंटू दो चार, ये भी छोटा है, तीन इंटू तीन नौ ज्यादा होता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दो, यहाँ भी दो, दोनों करेंगे गुणा, ये होता है चार, यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है, ये हो गए आपके दो और दो चार, और यहाँ घटाओ होता है आपके एक। अब यहाँ घटाया और यहाँ जोड़ना है, ये नंबर सेम रखना है और दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है, जोड़ना नहीं है, ये दोनों गुणा करके यहाँ लिखना है। अब जो नंबर यहाँ आए वो भी यही आने चाहिए, जैसे यहाँ अगर एक तो यहाँ भी एक हो गए, 41 कम है, फिर चेंज करेंगे, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ये हो जाएगा आपके चार, वहां ये भी कम है, यहाँ लिखेंगे तीन, यहाँ भी तीन, तो ये हो जाएगा तीन तीन नौ, और ये हो जाएगा आपके चार तीन बारह, यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है, ये तो हो गया जीरो और ये हो गया छियालीस। उत्तर आया है दो और तीन, नहीं ध्यान रख सकते हो, ये जो उत्तर आ रहा है उसको आधा कर दो, उसका उत्तर आ जाएगा आपके तेईस, या ये दो और ये तीन, ऐसे लिखो तो चलेगा, नहीं तो इस उत्तर का आधा कर दो तो भी तेईस ही आता है, और आपको जांच करनी है तो इसका उत्तर यहाँ डबल होता है। अब ये वाला 70 और 56 देर का, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये जोड़ा हम यहां उतार देंगे, जो यहां लिखना है वो यहां भी लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है, दो इंटू दो चार, चार इंटू चार सोलह, छह इंटू छह छत्तीस, सात इंटू सात उनचास, आठ इंटू चौसठ, नौ इंटू नौ इक्कीस, ज्यादा हो गया, तो यहां भी यहां, यहां भी यहां, ये हो गए चौसठ, यहां जोड़ना है और यहां घटाना है, जोड़ा तो 16, घटाया तो 6, अब पीछे 6 आना चाहिए, 6 किस में आता है, या तो आता है 4 में या आता है 6 में, अगर मैं 4 लेता हूं, 4 चौ 16 संख्या 1, 64 और 1 कितना होता है आपके 65, मिल गया, यहां जोड़ना है यहां घटाना है, ये आ गया आपके 0 और ये हो गया है 168, उत्तर क्या आया 8 और 4, या फिर इसका आधा कर दो तो भी आएगा आपके 84। अब ये वाला 2401, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, ये जोड़ा यहां पर अगला जोड़ा आगे, जो यहां लिखो वो यहां में लिखना चाहिए और दोनों का गुणा करने पर 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है आपके 4 × 4, 5 लिया तो 25 आता है, 4 लेंगे ताकि आता है 16, यहां जोड़ेंगे और यहां घटाएंगे, ये हो रहा है आपके यहाँ, इधर घटाना है इधर जोड़ना है, ऐसा नंबर जो यहां भी लिखू और यहां भी लिखू, तो एक कहाँ आता है, एक इंटू एक में एक आता है और नौ इंटू नौ में इक्यासी आता है, तो यहां देंगे नौ, यहां भी नौ, ये हो गया नौ इंटू नौ इक्यासी, आठ, नौ आठ बहत्तर और आठ हो गए 80, यहां जोड़ना है और यहां घटाना है, तो ये हो गए आप कितने, ये हो गए आपके 8 और 9 और ये हो गया 0, तो यहां जो उत्तर आएगा आपके वो उत्तर क्या आएगा, या तो इसका आधा करो, इसका आधा कितना होता है 4 9, या फिर ये लिखो 4 9, फिर ये वाला 62 और 41, दो जोड़े बनाएंगे, पहला जोड़ा ये वाला, यहां आएगा आपके 8 लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा होता है, हम लेंगे 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां जोड़ लेंगे और ये होता है 7 × 7 × 50, यहां जोड़ो और यहां घटाओ, ये जोड़ा यहां आ जाएगा, और 12 में से 9 गया 3 और ये 1, यहां 1 तो यहां भी 1 कम होते हैं संख्या, फिर यहां 9 तो यहां भी 9, पीछे 1 केवल 9 में आता है और 1 में आता है, यह आएगा 9, यहां भी 9, 9 × 9 = 81, 8 36 और 8 वो होता है आपके 44,
असल का 4, 9 और 4 13, यहाँ जोड़ना है या घटाना है, ये हो गया 158। या तो कर दो इसका आधा, न्याय देखो 7 और 9 उतर जाएगा 79 गुणे 80। अब यहां पर ये हो रहा है 6 5 5 3 6। अब यहां आके ये जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा बन रहा है, अब इसमें आपके सबसे पहले ऐसा नंबर लेना है यहां पर, इससे आगे जाए 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 ज्यादा होता है, हम लेंगे 2 × 2, ये जोड़ा यहां आ जाएगा और ये जोड़ा आपके यहां आ जाएगा। अब 2 × 2 = 4, यहां जोड़ना है या घटाना है, जोड़ो तो 4, घटाओ तो 2, जो नंबर यहां दो वो यहां भी लेना है। अगर मैंने 3 लिया तो ये 9 और ये 12 छोटा हो रहा है, 5 लो तो 25, 2 20 और 2 कितना हो गया 22, 6 ले लो 36 बल्का 3 27 और 24 और 3 27 ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। जो नंबर यहां लेना है वो यहां भी लेना है, यहां अगर आपने 5 लिया तो यहां भी 5 लेना है, फिर गुणा भी करना है, इससे आगे भी नहीं जाना चाहिए। तो ये होता है आपके 5 × 5 = 25, असल का 2 20 और 2 हो गए 22, और अब यहां जोड़ना है और यहां घटाना है, जोड़ो तो 50 घटाओ 0 और ये 3। अब जो नंबर यहां है वो यहां भी लेना है, इससे आगे जाना चाहिए। 6 × 6 में आता है 4 में और 6 में, 4 में पता है 4 × 4 = 16, 5 × 2 = 20 कम हो रहा है, यहां लेंगे हम 6 × 6 = 36 और 6 × 5 = 30, यहां जोड़ना है या घटाना है, ये हो गया आपके 512 और ये हो गया है 0, उत्तर क्या आएगा, ये लिखा हुआ 2 5 6, या फिर इसका आधा करो तो बह जाए 256। अब ये वाला 1 5 2 2 7 5 6, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा और ये चौथा, ये 52 यहां आ जाएगा, 27 यहां आ जाएगा और 56 यहां आ जाएगा। सबसे पहले एक है, एक एक एक, एक को गुणा करेंगे एक से तो एक आता है, अब क्या करेंगे, यहां जोड़ेंगे यहां घटाएंगे, जोड़ा तो 2 घटाया तो 0, जितना यहां लिखना उतना यहां लिखना। अगर मैं यहां 1 लिखूं 21, अगर मैं यहां पर 2 लिखता हूं ये होता है 44, और 3 लिखता हूं तो होता है 69, ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां जोड़ेंगे और यहां घटाएंगे, गुणा करना है इसको इससे, गुणा करेंगे ये आता है, और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, फिर यहां जोड़ो तो 24 घटाओ 8, जो यहां लिखो वो यहां भी लिखना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं 2 लिखूं तो 4 8 4 कम हो गया, 3 लिखूं तो 3 × 9, 4 × 12 असल का 1 और 3 × 6 = 7, चाचा लिखा संख्या जाएगी 900 के बाद, इसलिए हम यही रहे। अब इधर जोड़ना है इधर घटाना है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये और ये सेम बिल्कुल बराबर रहे और उत्तर से आगे भी नहीं जाए। ये होता है आपके 3 × 3 = 6 4 2, ये हो गया 246 और ये घटाओ 17 × 9 गया 8 और ये आ गया आपके 0 और ये हो गया 1, जो यहां लिखे वो यहां भी लिखना चाहिए। 6 × 6 में आता है 4 और 6 में, पहले 4 लिख लीजिए, 16 असल का 1, 24 × 1 = 25 असल का 2, 16 और 2 = 18 असल का 1, 4 × 8 = 16, 4 × 8 और 1 कितना हो गया आपके, यहां भी देखो असल का लिया था यहां 9 ही बचा था, यहां भी 9 आ रहा है, ये हो गया 0, उत्तर क्या आया, इसकी जोड़ करो 2 4 6 8, इसमें 2 का भाग दो उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लो। फिर ये वाला 6 1 5 4 2, एक जोड़ा दूसरा तीसरा जोड़ा,
ये 15 यहां लिख देंगे और ये 42 यहां लिख देंगे। अब ये एक तो यहां भी एक लेकिन कम हो जाएगा, फिर दो दो लो तो चार, तीन तीन लो तो नौ, ज्यादा होते हैं नौ तो दो दो लेंगे, दो यहां भी दो यहां भी, ये हो गए चार, गुणा करने पर वो आना चाहिए। अब जोड़ो इधर घटाओ, जोड़ो तो चार घटाओ तो दो। अब जो संख्या यहां है वही यहां पर लेनी है, अगर मैं यहां पर पांच तो यहां भी पांच लेना है, 25 दो पांच चौबीस हो दो 22 ज्यादा होते हैं, हम लेंगे चार चार। जो नंबर यहां पर वो भी नंबर यहां पर होना चाहिए और इन दोनों की जोड़ यहां आनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों गुणा करो, 16 और एक हो गया 17। अब यहां तो जोड़ना है और यहां घटाना है, तो ये हो गए आपके 48 और ये हो गए आपके 15 में से 6 गए 9, 10 में से 7 गए 3। अब जो नंबर यहां लिखना है वो यहां भी लिखना है। पीछे दो दो किस में आता है आपके, 7 में नहीं आता है, 8 में चौंक ज्यादा हो जाता है, तो 6 में भी नहीं आता है, 4 में, 5 में भी नहीं आता है। या तो मैंने संख्या से गलत लिखी है, फिर भी अगर देखो 8 ले, 8 लो तो कितना आता है, 8 और 8 64 फसल का 6, 64 और 6 70 का 7, 32 7 39, या तो 0 4 होगा। इसीलिए नहीं आ रहा। अगर ये ज्यादा नंबर आ भी जाए, अगर यहां 42 नंबर हो भी जाए तो भी आप कर सकते हो, जैसे अगर मान लो यहां 42 ही होता तो उत्तर भी क्वांटम आते, उसके लिए ये देखो ये आ रहा है आपके, इसमें घट गया कितना, पीछे बच गया आपके 38। अब यहां जोड़ना है और यहां घटाना है, जोड़ो तो होता है आपके 8 और 8 16, 8 और 1 9 और ये 4। अब वही यहां नंबर लेना है दोनों तरफ, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अब ये तो हो गया, अब ये थोड़ा उतारना है तो यहां लगाएंगे हम पॉइंट और पीछे लिख देंगे 0, ये 2 0 यहां आ जाएगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो 0, यहां 0 लिखा यहां 2 0 और बढ़ जाएंगे और अब आपके भाग जाएगा आपके 4 9 6 0। अब कोई संख्या है या तो 3 3 लो या 4 4 लो 5 5 लो, अब आप क्वांटम ले सकते हो, आप 7 7 ले लिए या 8 8 ले लिए, 49 607 × 7 ये होता है 347,000, ज्यादा हो रहा है, 8 ले लो, 4 9 6 0 8 × 8 ये ज्यादा चला गया, तो यहां लेंगे 7 और यहां भी लेंगे 7, तो 49,607 × 49,607 49,607 × 7 क्या आता है, 347,250। अगर आगे आगे निकालते रहना तो उत्तर क्या आया इसका, इसका उत्तर आया है आपके ये आया 2 फिर 4 फिर 8 फिर भाग गया नहीं तो पॉइंट लगाया, फिर 2 0 का 1 0 और फिर आया है आपके 7। अगर यह 0 4 होता तो उत्तर आता आपके कितना, 248, ज्यादा लिख दिया उत्तर, पॉइंट आ जाएगा, आगे से आगे चलता रहेगा ऐसे कैसे। अब है इसका वर्गमूल निकालना, तो ऐसा लेना है आपको, ये हो गया 31 और 36, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तो उत्तर क्या आ जाएगा आपको, पहले आपके 31 है तो 5 × 5 = 25, 6 × 6 ज्यादा होता है तो 5 ले लेंगे, 5 या भी 5 या भी, ये होता है आपके 25। अब हम यहां तो करेंगे जोड़ेंगे और यहां घटाएंगे, जोड़ा तो हुआ 10 घटाया तो हो गया पीछे आपके कितना 6 36 यहां ले लेंगे, अब ये 6 आ रहा है ऐसे, अगर फिर यहां दोनों संख्या सेम लेनी तो ये आ गया 6 यहां भी 6 36 और 6 कम 6 11 0 और दोनों जोड़ होती है आपके 112। अब 112 का आधा करो होता है 56, या फिर 5 और 6 ले एक ही बार। अब अगर यहां पॉइंट आ जाए तो पॉइंट आ जाए करना है, देखो ऐसे करना है, ये आ रहा है 313.6। अब पॉइंट कैसे बनेंगे, जोड़े कैसे बनेंगे, पॉइंट के इधर तो ऐसा बनेगा,
और पॉइंट के उधर बनेंगे दो दो के जोड़े, ऐसे जोड़ा बनेगा। पॉइंट के उधर इधर से बनेंगे, पॉइंट के ऐसे जोड़ा बनेगा, नहीं तो जीरो लगा कर बनाओगे, इधर जोड़ा ऐसा बनेगा, इधर के पॉइंट ऐसे जोड़ लेंगे। अगर यहाँ अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसे जीरो लगेंगे, पॉइंट इधर ऐसे जीरो, पॉइंट के उधर ऐसे जीरो लगेंगे। तो यहाँ पर है आपके तीन, तो आएगा एक और एक, ये हो जाएगा एक, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे, तो ये हो गया एक और एक हो गया आपके दो, और ये हो गया 213। अब यहाँ जितना है उतना यहाँ होना चाहिए, संख्या से आगे नहीं जानी चाहिए। तो अगर यहाँ सात है तो यहाँ भी सात हो, तो गुणा कर देंगे 27×7 100 बंडल ज्यादा होगा, आटा ले लो 28×8 224 पैदा हो गया। तो हम लेंगे 7×7 27×7 ये होता है आपके 100 बंडल। या जोड़ना है या घटाना है, जोड़ो तो होता है आपके 34, घटाओ ये होता है आपके 24। अब पॉइंट लेने जोड़ा लेना 7, उत्तर क्या आ रहा है, एक आ गया कि 7 आ गया। अब पॉइंट आएगा, अब आपकी ये संख्या लेनी यहां से लिखो वो भी यहां लिखना है। अगर मैं यहां पर 3 लिखूं तो 343×3 1090 होता है, अगर मैं 5 लिखूं तो 345×5 77 ज्यादा कम होता है, 6 ले लूं तो 346×6 2076, 7 दूं तो 347×7 2429 हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहां भी ले लेंगे 7 और यहां भी ले लेंगे 7, उत्तर आता है 2429। आटा रेट ज्यादा आता है, यहां कर देंगे प्लस यहां कर देंगे माइनस, तो ये हो रहा है आपके कितना 347+7 होता है कि 354, और यहां घटाओ तो होता है आपके 31। अब ये जोड़ा उतारेंगे 0-0 का, जितना यहां है उतना यहां लेना है, 7 भी आ गया या एक या भी। लेकिन अगर मैंने एक लिया, अगर मैंने यहां एक लिया तो उत्तर ज्यादा आ जाएगा, तो क्या लेंगे यहां पर 0। जैसे यहां 0 लिया, एक जोड़ा और बड़ा और ये जोड़ा यहां होता और यहां तो 0, यहां 0 जैसे यहां 0 लिखो। अब यहां पर एक या भी एक, या 8 या भी 8, 35,408×8 223 क्या होता है, नौ लो तो अगर यहां 9 तो यहां भी 9, 35,409×9 ये होता है 3,000 ज्यादा हो गया, 8 लेना पड़ेगा, ये भी 8 ये भी 8, तो 35,408×8 ये हो रहा है आपके 283,264। अब पीछे और अंतर निकाल दो, -3,10,000 ये होता है 26,736 और ये होता है आपके 35,416। इसका आधा रहने ही होता है, 35,416 का जो आधा होता है वो होता है आपके 17,708, याद रखना ही आ जाएगा हमेशा, इसका आधा होता रहेगा फिक्स है। 1,7 यहाँ पॉइंट लगा था, एक जोड़ा दो जोड़ा, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो पहला और दूसरा जोड़ा आ गया यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर ऐसे बढ़ती जाएगी। फिर ये वो 31.36, इस पॉइंट के इधर जोड़ा, इस पॉइंट के इधर से जोड़ा, दोनों जोड़े आराम से बंद रहे, सवाल ऐसा हो जाएगा सेम, वही सेम क्वेश्चन आएगा, ये 36 आ जाएगा सेम, फर्क क्या आएगा यहाँ पर आपके, ये 56 आएगा और यहाँ पॉइंट सेम लिखना पूरा पूरा, आप जोड़ा बन रहे ना फिक्स, आपको एक्स्ट्रा जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, तो नंबर नहीं नया बनेगा नहीं। अब ये वाला ये हो रहा है 3.136, इसमें पॉइंट के इधर जोड़ा और पॉइंट के इधर जोड़ा ऐसा बनेगा, पॉइंट इधर से जोड़ा बनेगा, इसमें इधर से जोड़ा बनेगा और ये आ जाएगा आपके 0, नहीं और 0 लगा। और अगर चाहो तो पॉइंट को भूल, आपने पॉइंट को ध्यान रखा तो ये क्वेश्चन, पॉइंट को ध्यान में रखा तो आपकी ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कैसा था
मान लो कि हम निकाल रहे हैं 31,360 का हार्मोन निकाल रहे हैं, और ये वाला है 31,36 ही है, और ये वाला है तो हम निकाल रहे हैं, जीरो लगाना पड़ेगा पीछे जोड़ा बनाने के लिए। समझ लो हम 31,360 निकाल रहे हैं, तो यही आएगा सेम इस तरह सेम टू कॉपी। फर्क क्या आएगा आपके 1.7708 आ जाएगा। संख्या में पॉइंटों को चेंज करने पर उत्तर दो तरह के आएंगे, या तो आएगा ऐसा या आएगा ऐसा। उसमें जो वापस पॉइंट चेंज किया वापस क्या आएगा 0.36। मन से कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कैसा भी नंबर ले लो मन से। मैंने ऐसे नंबर ले लिया 4, 5, 3, 6, 7, 8। इसका जो हार्मोन निकालना है, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। अब यहां से नंबर को यहां में लिखो, ये 6 है, ज्यादा हो जाता 6 तो ले लेंगे हम 6 यहां भी 6 यहां 6 6 36। यहां जोड़ना या घटाना, ये हो गया 12, और 45 में 36 गए पीछे बच गए 9। ये जोड़ा यहां उतार लेंगे और ये जोड़ा यहां उतार लेंगे। जो यहां लिखो वो यहां भी लिखना है, अगर मैं यहां 7 लिखू यहां भी 7 लिखना है। 8 होता है, अगर मैं 8 लू तो होता है आपके 128 x 8 ज्यादा होता है। यहां लेना 7, यहां भी 7, यहां जोड़ेंगे यहां घटाएंगे। जोड़ो तो होता है 134, घटाओ तो होता है आपके 936 - 8, ये होता है 47। जितना यहां लिखते यहां लेना है। अगर मैंने यहां 3 लिया तो यहां भी 3, 13 43 × 3 ये होता है 4029। अगर मैंने यहां 4 लिया तो यहां भी 4 लेना पड़ेगा, 4 × 3 ज्यादा होता है। तो ये 3 के लिए आए, यहां को 3 यहां को 3, यहां जोड़ना है यहां घटाना है, तो ये हो जाएगा आपके 4778 - 4029, ये होता है 749, और ये होता है 1346। अब अगर भाग अगड़ी जा रहा है, उत्तर ऐसा आ रहा है, पूरा भाग नहीं गया, तो यहां लगाना है आपको। देखो पहले उत्तर क्या आया था 6, फिर उत्तर क्या आया था 7, फिर क्या आया था 3। अब लगाओ पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाया तो 2 0 आ जाएंगे ऐसे, और ये वाला थोड़ा यहां आ जाएगा। पहला पॉइंट लगाते हैं तो 2 0 ऐसे मिल जाएंगे, अभी बार और लगाओगे तो आपको 0 लेना पड़ेगा। असली तरह यहां आ जाएगा आपके, अगर यहां 4 यहां भी 4 हो, 13 464 × 4 53,000 कम पड़ रहे हैं, यहां 5 तो यहां भी 5, 13,465 × 5 67,000 हो रहे हैं। ये हो रहा है 67,325। 6 6 ले सकते हो, संख्या आगे मिल जाएगी इसलिए यही लेंगे, -74,900 ये होता है 7575, और ये होता है आपके 13,470। अब अगर और आगे करना चाहते हो और कर लो, 1 0 और बढ़ा लो, और ये आया 5, ये यहां लिख लो। आगे और करना चाहते हो तो ये कितना हो गया आपके 00। यहां हर बार आपको 0 बढ़ाने पड़ेंगे आपको, तो यहां आपको हो जाएगा, अगर मैं लूं 4 4 होता है 13 47 04 × 4 ये होता है आपके 5,38,000 होता है, कम हो रहा है 5,5,000। 13 47 05 × 5 ये हो रहा है आपके 6,73,525 -7575 83,975 ये 5 है यहाँ आ जाएगा, इनकी जोड़ करेंगे 13,047 10 इसका आधा कर दो तो मित्रों ही आता 10 का आधा 5 ऐसा कर सकते हो, पूरा पूरा आधा 70 लिखो तो 70 का आधा 35, 14 का आधा 7, 12 का आधा 6 ऐसा आप कर सकते हो। ऐसे निकालते हैं भाग विधि द्वारा, क्या नाम है, घनमूल वर्गमूल। इसका अगर आपको निकालना है वर्गमूल, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, यहां भी एक यहां भी एक, ये हो गया 1, 28 यहां आ जाएगा।
यहां जोड़ना है और यहां घटाना है। अब मैं यहां जो लिखू वो यहां देखना है, इससे आगे नहीं जाना है। एक लिखू तो 21, दो लिखू तो 44, दो दो 44 होता है, यहां एक यहां भी एक, ये हो गया 21। यहां जोड़ना है यहां घटाना है, तो ये हो गया आगे कितना 20, 22 हो गया। ये चैप्टर नंबर 16 का है, वर्गमूल निकाल लेंगे। 129 उसका उत्तर आता है 11.31 जो वाला बता रहा हूं। ये अंतर आ रहा है आपके 7 का, जो यहां लिखो वो यहां लिखो। अब देखो नंबर खत्म हो गया है, अब क्या लगाएंगे हम पॉइंट। ये उत्तर आ गया 1, ये उत्तर आ गया 1, अब यहां पॉइंट लगाएंगे 20 यहां आ जाएगा। जो यहां लिखो वो यहां भी लिखना है, अगर दो दो लिखू 444, तीन तीन लिखो तो ये 6, 4 और 9, 6 और 6, चार को ज्यादा होता है तो ये लिखेंगे। अब यहां तो आपको जोड़ना है और यहां घटाना है, जोड़ो तो होता है 226, घटाओ तो होता है 700 माइनस 669, ये होता है आपके 31। अब हर बार आपको 00 लगाना है, यहां लगाएंगे 00। अब यहां जो लिखो वो यहां लिखो, दो लिखते तो होता है 4000, 4 ज्यादा होता है तो हम टीके लिखेंगे, ये होता है 2261, 3100 माइनस 2261 ये होता है 839 और ये होता है 2262। अब ये उत्तर 3, ये रहा 1 और इसका अगर आप आधा कर दो तो भी आपकी 1131 आता है। आगे और कर सकते हो, लेकिन पॉइंटों के बाद में दो संख्या तो कर दो, जितनी बार जीरो उतारोगे उतनी बार जीरो लिखने आते, ये जीरो उतारे, ये जीरो उतारे, ऐसे निकालोगे।